हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। और हम हाजिर हैं एक और वीडियो में। नाउ द टीम ऑफ पुष्पा इज इन नो मूड टू स्लो डाउन। एक के बाद एक धमाके पे धमाके। कल का जो धमाका हुआ था, द फर्स्ट सिंगल का जो अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद से जो क्रेज है पुष्पा को लेके नेक्स्ट लेवल जा चुका है। जो स्टेटमेंट्स टीम की तरफ से आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं। और कल जो गाना आया था उसका छोटा सा एक जो साउंड ट्रैक का ग्लिम्स लास्ट में मिलता है, डाको डाको मेका, या फिर जो हिंदी वर्जन है जागो जागो बकरे, मतलब एक वाइल्ड मैड एकदम पागलपना वाला गाना होने वाला, जो कि 13 अगस्त को आने वाला है, आज के 10 दिन बाद। लेकिन आज जो बॉम्ब उन्होंने गिराया भाई साहब, दिमाग के बजर वट्टू हिला के रख दिए भाई गॉड, कसम से बता रहे हैं। पुष्पा ने अपना रिलीज डेट अनाउंस कर दिया है, डेट नहीं लेकिन फेस्टिवल जो है वो अनाउंस कर दिया है। पुष्पा द राइज पार्ट 1 विल बी कमिंग इन टू थिएटर्स दिस क्रिसमस। और अभी पुष्पा की टीम ने ट्वीट करके बताया कि दिस क्रिसमस विल बी आइकॉनिक व्हेन द आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन विल कम विद पुष्पा द राइज पार्ट 1 टू थ्रिल यू इन सिनेमा दिस क्रिसमस। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हम आपको बहुत पहले से बोलते आ रहे थे कि पुष्पा के मेकर्स दिसंबर का डेट टारगेट कर रहे हैं, और हम आई वॉज द फर्स्ट वन टू टेल यू कि पुष्पा दो पार्ट्स में आने, यूट्यूब पे सबसे पहले हम बताए थे कि पुष्पा दो पार्ट्स में आने वाली है। आज उसका ऑफिशियल कन्फर्मेशन मेकर्स की तरफ से आ गया कि पुष्पा द राइज, टाइटल में भी थोड़ा सा चेंज हो गया, द राइज ऑफ पुष्पा पार्ट 1, दिस इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ जर्नी, पागलपना मचा देगा अल्लू अर्जुन पैन इंडिया इस अवतार में, नेवर सीन बिफोर, रग्ड रॉ फिरोशियस पुष्पा राज, बाप थिएटर फट जाएंगे, लोग पागल हो जाएंगे, लिटरली बता रहे हैं, शब्द इधर उधर हो रहे हैं मेरे, क्योंकि द एक्साइटमेंट इज एट इट्स पीक। एक और चीज जो सबसे पहले आपके दिमाग में हिट करता है कि KGF कब आने वाली है, क्योंकि KGF और पुष्पा में जो क्लैश चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पहले ये लग रहा था सिर्फ फैन वॉर है, लेकिन जो मेकर्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इधर से क्लाइमेक्स का बात आता है तो उधर से भी क्लाइमेक्स का बात आता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेकर्स के अंदर भी चल रहा है, और दोनों के दोनों क्रिसमस पे अपना बॉम्ब गिरा रही हैं। हिरोशिमा नागासाकी विल बी थ्रैश्ड, एब्सोल्युटली पागलपना मच जाएगा। सबको पता है, हम आपको बहुत टाइम से बताते आ रहे हैं कि KGF का डेट जो रिलीज डेट है वो भी उसके मेकर्स क्रिसमस वाला ही टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों फिल्में क्रिसमस वीकेंड अगर ले लेती हैं, मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी फिल्म बैकआउट करेगी। दोनों के दोनों फुल फ्लो में है, फुल फॉर्म में है, और जाके क्लैश करेंगे। दिस विल बी द एपिक क्लैश, मतलब क्लैश ऑफ द टाइटंस। दो बाप लेवल की फिल्म है, बाप लेवल की फिल्म है, लिटरली बता रहे हैं। अभी आप किसी को भी जज नहीं कर सकते, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कह सकते, कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट इन दोनों फिल्मों का एकदम बाप लेवल का लग रहा है। और ये दोनों फिल्में जब लैंड करेगी क्रिसमस में, जो सुनामी आएगी, जो तबाही आएगा, दैट विल बी अनरियल, अनरियल। अब डोंट बी सरप्राइज इफ कुछ दिन के बाद, कुछ ही दिन में KGF के मेकर्स भी अपना रिलीज डेट अनाउंस करते, जो कि क्रिसमस के आसपास ही होगा। अब इसके बाद क्या तबाही होगा, क्या मचेगा, मतलब फैन वॉर, देखो फैन वॉर कर लेना थोड़ा सा, लेकिन लैंग्वेज बैरियर को थोड़ा सा देख के, और बहुत ज्यादा डीप में मत जाना। बाकी तो दोनों फिल्में एक से बढ़कर एक हैं, दोनों बाप लेवल की फिल्में हैं। पुष्पा द राइज पार्ट 1 इज फाइनली गोना हिट द थिएटर्स 2021। एक बहुत ज्यादा ये भी निकल के आ रहा था कि जो इसके शूटिंग में डिलेज हुए हैं, जो शूटिंग पहले बारिश के कारण रुका, फिर जो सुकुमार सर को तबियत खराब हो गया उसके कारण रुका, तो कहीं ये नेक्स्ट डेट नहीं चला जाए। बट थैंकफुली वही डेट है जो कि हम लोग सोच रहे थे, क्रिसमस का टाइम, पुष्पा राज का रैम्पेज, द हंट बिगिंस। पुष्पा राज के रैम्पेज के लिए रेडी हो जाओ, 10 दिन में गाना आने वाला है, इट इज एब्सोल्यूट मैडनेस। पुष्पा का क्रेज नेक्स्ट लेवल जा चुका है। कितने एक्साइटेड हो पुष्पा को इस साल क्रिसमस पे देखने के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भर जाना चाहिए कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ इट्स टाइम द गदले।